20 फरवरी को जो होने जा रहा है उसमें हमारे माननीय जो राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उनके द्वारा सरकार और शिक्षा मित्र के बीच में जो भ्रांतियां हैं या किन कारणों से हम आज तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, शिक्षा मित्रों की जो बेसिक समस्याएं हैं वो सरकार तक नहीं पहुंची और पहुंची तो उनका निराकरण नहीं हो सका, उसके लिए क्या बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं उसका प्रयास किया जा रहा है। और 20 फरवरी के लिए हमारे प्रदेश के 1 लाख लगभग 58,000 शिक्षा मित्र आज की स्थिति में हैं, जो कार्यरत हैं विद्यालयों में। कोशिश ये होगी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर हम अपनी बात के लिए सरकार के समक्ष पहुंचाएं, चूंकि सरकार के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे तो हमें लग रहा है कि बहुत आसानी होगी हमको अपनी बात पहुंचाने के लिए। और चूंकि जब प्रतिनिधि होंगे तो उनको भी उनका एक हमारे लिए सपोर्ट भी रहेगा कि हमारी ये बातों को सुना जाए। और ये उत्तर प्रदेश मात्र, पूरे भारतवर्ष की अगर हम बात किया जाए तो आज की स्थिति सबसे दयनीय जो स्थिति है वो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की है। अन्य प्रांतों में जब अब से 2012-13 की अगर बात किया जाए तो कई ऐसे प्रांत थे जिनमें शिक्षा मित्रों की जो स्थिति थी। कौशल कुमार जी मेरी बात सुन लीजिए, 2018 का चुनाव था, कौशल किशोर जी ने महारेला बुलाया था लखनऊ में, उस समय भी उन्होंने वादा किया था शिक्षा मित्र अनुदेशक मेरी जिम्मेदारी है, मैं इनके लिए काम करूंगा। मैं नेगेटिव नहीं कर रहा हूं आपको, मेरा सवाल है कि आप लोगों ने पूछा कि आप पिछली बार वाला वादा क्या पूरा कर पाए 5 वर्ष में, इस बार फिर आ गए क्योंकि चुनाव है लोकसभा के, लोकसभा का चुनाव है तो नए वस्त्र धारण कर लीजिए, फिर मूर्ख बना लीजिए 2 लाख लोगों को, 2 लाख परिवारों को। मैं आपको नेगेटिव करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, मेरा मानना यह है किसी भी नेता के साथ जाओ ये नेता 2 मिनट में सेल करके आपको निकल लेते हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से किसी गलत व्यक्ति के साथ पहुंच के आपको ये पता नहीं है हमारा पैसा किसने उठा लिया, हमारे लिए क्या जॉब मिल गया, हमें क्या जिम्मेदारी दे दी और हमें सामने वाला सेल करके निकल लिया। मैं किसी भी प्रकार से आपको नेगेटिव नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपका सवाल बनता है आज आपके शिक्षा मित्र आपके कहने से जब लखनऊ आएंगे तो फिर यही सवाल दोहराएंगे कि कौशल किशोर जी 2017 का 18 का वादा। आपकी बात बिल्कुल सही है मिश्रा जी, हम समझ रहे हैं जो आप कहा जा रहा है कि ठीक है शिक्षा मित्रों के साथ पूर्व में किन कारणों से हुआ, कैसे हुआ, ये इस पे नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन चूंकि नए सिरे से हर व्यक्ति के लिए प्रयास करके हारना, प्रयास करते रहना चाहिए और उसी प्रयास के क्रम में हमारा ये 20 फरवरी का कार्यक्रम है। ये हम आपकी बात मानते हैं कि हमारे जो पूर्व इस समय जो मंत्री जी हैं उन्होंने पूर्व में भी प्रयास किया, किन्हीं कारणों से सफल नहीं हो पाया, हो सकता है उनके लिए कुछ नया दिख रहा हो या फिर किस तरीके से हमारा वाला होगा, तो हमको तो लगातार प्रयास करते रहना है। हम इस चीज को मान के नहीं चल रहे हैं कि कोई हमारे लिए छल रहा है। मैं मान रहा हूँ प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, प्रयास छोड़ दोगे तो करोगे क्या, विकल्प क्या है, अगर प्रयास करना बंद कर दोगे तो करोगे क्या। मेरा मानना यह है कि इस समय 2024 के महायज्ञ की तैयारी चल रही है, महायज्ञ होता है अपने यहाँ चुनाव का बेला में हर समय हम रहते हैं, उत्तर प्रदेश 24 घंटे रहता है, कभी नगर पालिका का चुनाव है, कभी ग्राम पंचायत।